स्वामी जी, मैं देवर उदयचंद को अकेले नहीं छोड़ी, रास्ते में नहीं छोड़ी। स्वामी जी, मैं आपको बताने से डर रही हूं। डरने से क्या बात है, मेरा हाथ खाली है, जंगी रूदर सिंह का मेरा हाथ चाहिए, उसको सिवाय कुछ नहीं चाहिए। आते सत्य साचे हलिया पियबा पियबा तलिया ओ सत्य साचे हलिया पियबा सच बताती हूं। जब मैं मेला घूमने के लिए गई हूं, मेला में सभी सामान खरीद ली हूं, मेरी लालसा लग गया है। मैं पहली बार इस मेला में आई हूं, तो मैं इस मेला का कोई निशानी लेकर जाऊंगी। मैं उसके बाद अपने देवर से बोली हूं, देवर जी मेरे बाहों में ऐसा निशान दो, गोधना बदवा दो, जो मेला का निशानी रहेगा। उसी वक्त मेरे जादू का पुस्तक खो गए हैं। देवर जी से आधी रास्ते में आकर मैंने पूछी है, तो देवर जी बताए हैं भाभी मैं नहीं लिया। तो देवर जी से मैं सभी बात बताई है, देवर जी आधे रास्ते से ढूंढकर जादू का पुस्तक ढूंढने के लिए गए हैं, और हमें वहां से बोले भाभी तुम मुबारक चले जाओ। स्वामी जी, मैंने बहुत मना की हूं, लेकिन वो माने नहीं, मैं क्या करूं। जिस समय में मेरा भाई को शादी होने के लिए जिस समय में मेरा हिस्सों में हुआ था, उस समय में मेरा भाई नहीं जीत पाया। तूने राज महता अपने ससुराल बनाने के लिए और मेरा पिताजी को ससुर बनाने के लिए, मां के ससुर बनाने के लिए तूने अपने दरबार से अपने भाई को दल काट दिया। तूने अपने देवर को क्या तुम समझेगा,
कुछ बहाना लेकर आया है। मेरा भाई को गंगा जी ने बलि चढ़ा दिया है, गंगा जी को चढ़ावा कर दिया। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं पाप करके था। स्वामी जी मैं सच कहती हूँ, मेरा भाई के हवाले कर दे, नहीं तो राधा सिंह का मति खराब होगा। तो यही सोच लो, पति और पत्नी की रिश्ता इस समय में खत्म हो जाएगा। स्वामी जी देवर उदयचंद बोले हैं, भाभी मैं जादू का पुस्तक लेकर के आऊंगा, अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। याद है ना जिस समय में जंग रुदन सिंह का तुम्हारा हाथ भी बढ़ाया, तो तूने करार कर लिया कि पतिदेव जब मेरा देवर की कुछ हो जाएगा तो ये बिजली कोरोना से मेरा बदन को शाम छोड़ देना। यही बिजली कोरोना की याद कर ले, तो मेरा भाई चाहिए, नहीं तो ये गोरा बदन जो है इस समय में काला होकर ही रहेगा। क्या मंजूर है? और नहीं तो मेरा भाई चाहिए। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहां जाऊं? अब देवर उदयचंद कहां है नहीं है पता, मैं कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा?